fund required in carrying any charge salary either from individual to a certain point in the electric collection or electric potential energy. मानिकारा क्या किसी धनावेश क्यू को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरोध विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में किसी निश्चित बिंदु तक लाने में दिया गया काम को विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसे यू से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। सुनो बाबू, अगर किसी धनावेश क्यू को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरोध विद्युत क्षेत्र में किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते से यू से सूचित किया जाता है। कहने की मीनिंग यह है कि सपोर्ट है, ये कोई चार्ज है और ये है आपका पॉइंट पर जीरो और ये रहा क्यू, इसको डिस्प्लेस किया गया। एक पॉइंट यह है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, इसकी डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है और ये इधर जो है इधर फोर्स लग रहा है और ये है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को रूट और अनंत करना, समझ रहे बाबू, अनंत है, अनंत से उसको खींच के लाए बी पॉइंट पर। अभी देखिए बी पॉइंट पर ये आर डिस्टेंस है और ये यहाँ से यहाँ तक एक्स है, ये पूरा डिस्टेंस। अब कूलम के नियम से क्या कहता है, इस दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, फोर्स क्या लगेगा है बराबर Q1 Q2, माने Q1 जो तुम्हारा सर्व अवलोकन प्रकाश सर नोट ऐसा उस सर हम को यूज करेंगे आवेश क्यू एवं क्यू के बीच लगने वाला बल लगने वाला बल एफिजिकल कूलम के नियम से एफिजिकल टू 1/4 πε0 qq/x2 देखिए बाय सरोत के द्वारा आवेश क्यू को डीएक्स दूरी पर खिसकाने या विस्थापित करने पर किया गया कुल कार्य। छोटा विस्थापन क्या दिखा रहा आपको, छोटा विस्थापन यहाँ पर है डी एक्स आपका, ठीक है, और कार्य बराबर आपने पढ़ा है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब देखिए छोटा विस्थापन के लिए छोटा वर्क होगा, छोटा कार्य होगा, छोटा विस्थापन के लिए छोटा कार्य होगा। dW=f/dx और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट cos थीटा होगा, f(dx) cos 180 डिग्री। ये देखिए इधर की तरफ cos और इधर ऐसे खींचेगा, 180 डिग्री होगा दो डायरेक्शन में, और cos 180 कितना
कितना होता है माइनस वन होता है। इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स इंटू माइनस वन, ये गुणा हो पाएगा आपका डी डब्ल्यू माइनस एफ डी एक्स। क्लियर, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस वन बाय फोर बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। शुरू से हो गया क्या क्या कार्य को विद्युत स्थिति से हो गया क्या जाता है। मैंने आपको बताया आवेश q एवं q के बीच लगने वाला बल कूलॉम के नियम से हम निकालते हैं f = 1/4πε0 × q³/x² उसके बाद बाह्य स्रोत के द्वारा आवेश q को dx दूरी पर खिसकाने या विस्थापित करने पर दिया गया कुल कार्य। तो देखिए ये जो देख रहे हैं आप ये छोटा विस्थापन है, छोटा विस्थापन है जिसको डीएक्स माना आपने। कार्य इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। दो वेक्टर जो होते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होती है कॉस थीटा, तो एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। क्यों 180 होगा क्योंकि दोनों साइड से कितना चार्ज को, और जब दोनों साइड से चार्ज थीटा तो 180 होता है, 180 वैल्यू माइनस 1 होता है, माइनस एफ डी एक्स 1/4πε0 × q³/x² dx। अब देखिए हमको कुल कार्य निकालना है, कुल कार्य नहीं सर जी नहीं समझे, कुल कार्य देखिए हमको डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन जब हो देगा इधर इंटीग्रेशन कहां से कहां चार्ज को खींच रहे हैं इंफिनिटी टू r माइनस 1/4πε0 q³/x² dx। इंटीग्रेशन का रूल है बाबू जो कॉन्स्टेंट होता है वो बाहर आता है, सुनिए ध्यान से। तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस q × q/4πε0 इंटीग्रेशन इनफिनिटी टू r 1/x² dx ये आ गया आपका बाहर। अब देखिए 1/x² को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस q³/4πε0 और ये इंफिनिटी टू r होगा x^-2 dx। अब आपने 11th में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था x^(m dx) इज इक्वल टू होता है x^(n+1)/(n+1)+c। ये फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था इस फॉर्मूला को। अब देखिए देखिएगा तो ये जो है डब्ल्यू इक्वल टू माइनस q³/4πε0 इंटीग्रेशन क्या होगा इसका x^(n) का x^(-2+1)-2+1 इंफिनिटी टू आर तक इंटीग्रेशन करेंगे। उधर भी एक बार देख लीजिएगा सर, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू इक्वल टू माइनस q³/4πε0 और ये रहा आपका x^(-1)/-1 इंफिनिटी टू आर। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस q³/4πε0 और x^(-1) इनफिनिटी टू आर होगा। अब देखिए x^(-1) को क्या लिख सकते हैं आप, q³/4πε0 x^(1)/x होगा इनफिनिटी टू आर होगा। अब देखिए डिग्री इंटीग्रेशन का नियम है, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट यहाँ रखते हैं, रखते हैं ना, यहाँ पर रखा गया इसको। देखिए डब्ल्यू इज इक्वल टू q³/4πε0 और एक बार अपर लिमिट क्या रखेंगे r 1/r − 1/2 और इनफिनिटी से किसी चीज में भाग देंगे तो फिर जीरो करेगा, ये 1/∞ क्या होता है वो जीरो होता है। W = q/4πε0 / 1/r − 0 होगा। क्लियर, ये देखिए W =
क्यू इंटू क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वन बाय आर रहेगा, इसको लिखेंगे तो वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाय आर, ये आपका वॉल्यूम निकला। और आपको कहा गया किया गया कुल कार्ज, कुल कार्ज इक्वल टू विद्युत स्थिति ऊर्जा, विद्युत स्थिति ऊर्जा, और इसको आपको हम लोग डिनोट किए थे डब्ल्यू इक्वल टू यू इक्वल टू वन बाय फोर बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाय आर, तो यही ना आप लिखिएगा वन बाय फोर बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाय आर, यही आपका रिजल्ट रहा। आए उधर फोटो की।